कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को। तो हम लोगों ने कल रात को यहाँ पे रूम लिया था, ये आप रूम देख सकते हैं, ये है हमें बद्रीनाथ में जो रूम मिला है। और अभी बाहर जा रहे हैं हम लोग, तैयार हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए यहाँ के। और हम लोग अभी जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, और आप लोग का घर सामने का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। धूप खिल चुकी है सुबह, ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ की चोटियाँ जो है चमक रही हैं। तो हम लोगों ने जो रूम लिया था वो यहाँ पे है। अपन लोग तो तैयार हो चुके हैं, बाकी लोग तैयार हो रहे हैं। अच्छा रूम था, रात को ठंडा भी बहुत है यहाँ पे, -9 डिग्री 8 डिग्री में जो है टेम्परेचर जा रखा था। तो अभी चलते हैं मंदिर की तरफ, फिर दिखाएंगे आप लोगों को क्या कुछ है मंदिर में। वैसे कल रात को गए थे लेकिन हम लोग अंदर नहीं गए थे, बाहर बाहर ही हम लोगों ने दर्शन किया था। से हम लोग निकल चुके हैं तैयार होके, और ठंड इतनी है कि यहाँ पे जो है पानी भी जम रहा है। आजकल काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मैंने आप लोगों को बताया था कि 9 डिग्री टेम्परेचर पे जो है यहाँ पे तापमान है। और अभी हम लोग मंदिर के लिए निकल रहे हैं, बिल्कुल सामने मेरे मंदिर दिख रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो। यहाँ पर मंदिर दिख रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने जाना है, और अभी जो है वहीं पे जाके आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमारा प्लान है वहाँ पे गर्म पानी में नहाने का। यहाँ के जो गर्म जलधारा निकलती है उसमें नहाने का प्लान है, तो नहाते हैं फिर उसके बाद दर्शन करने जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और यहाँ पे आप लोग बाज़ार देख सकते हैं, यहाँ का काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती हैं, मालाएँ फ़ोटोज़ जो भी आप लोगों को चाहिए यहाँ से, जो है निशानी फ़ोटोज़ मालाएँ वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये देखिए यहाँ का बाज़ार, दुकानें हैं यहाँ की, और मेरे ठीक सामने आप लोग देखेंगे भगवान श्री बद्री विशाल जी का मंदिर। ये है मेन एंट्रेंस यहाँ पे, यहाँ से अंदर। तो हम लोग आ चुके हैं तप्त कुंड में, ये देखिए लोग यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ में नहा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। पूरा गर्म पानी का जो कुंड है यहीं पे है वो, और लोग सुबह आके यहाँ पे जो है नहा रहे हैं। ये देखिए और अभी चलते हैं मंदिर के प्रांगण में, ठंडा बहुत है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति, और ये आ चुका है मंदिर, लाइन भी लगी हुई है यहाँ पे,
फिलहाल अभी जूते खोलते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं अंदर। अभी खड़े हो चुके हैं मंदिर के द्वार पे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा अंदर जाने में। बाकी अंदर शायद कैमरा अलाउ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी मंदिरों में तो रहता ही नहीं वैसे भी। तो अभी लाइन लगी हुई है और मेरे पीछे देखिए आप लोग, जो है दर्शन हो चुके हैं भगवान श्री बद्री विशाल जी के। और यहीं प्रांगण में कुछ और भव्य मंदिर हैं, जैसे ये पहला है वीर हनुमान जी का, और यहीं पे जो है छोटी मूर्ति भगवान श्री गणेश जी की भी है। इसके बाद जो है श्री नारायण मंदिर जी है, यहाँ पे नर और नारायण जी का मंदिर, काफ़ी भव्य मंदिर है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। और फिर इससे आगे अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे जो है भगवान श्री घंटाकर्ण जी का मंदिर है, क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी का मंदिर, देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी सुंदर और भव्य मंदिर है यहाँ पे। और कुछ लोग यहाँ पे हवन कर रहे हैं, विश्व शांति है तो यहाँ पे भव्य यज्ञ होता है जो यहाँ पे हो रहा है। और यह है भगवान बद्री विशाल जी का सुंदर और भव्य मंदिर। भक्तों की यहाँ पे काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई है, हम लोग भी एक घंटे तक लाइन पे लगे हुए थे। और बाकी आप लोग देख सकते हैं, यह है मेन मंदिर, काफ़ी भव्य और सुंदर मंदिर भगवान श्री बद्री विशाल जी का। है भगवान श्री बद्री विशाल जी का पावन और दिव्य मंदिर, आप लोग देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा संख्या में है यहाँ पे। और हम लोगों ने भी अभी दर्शन करके बाहर आए हैं, काफ़ी अच्छा जो है मंदिर है और काफ़ी भव्य दर्शन यहाँ पे होते हैं भगवान श्री बद्री विशाल जी के। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही हम भगवान बद्री विशाल जी से कामना करते हैं। और काफ़ी अच्छी सुंदर धूप खिली हुई है, आप लोग देख सकते हैं, और ऊपर पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है। हो चुके हैं और हम लोग अभी जो है बस बद्री विशाल जी से कुछ ही ऊपर मंदिर के ऊपर जाना है, 2 किलोमीटर लगभग। चरण पादुका नाम की एक जगह है, वहाँ पे जो है भगवान जी के चरण के निशान है और हम लोग अभी उधर ही चल रहे हैं, बिल्कुल ऊपर पहाड़ी की तरफ जाना है। और अभी आके जाके वहाँ से आपको दिखाएंगे क्या कुछ है वहाँ पे। तो यहाँ से पूरा जो नज़ारा आप लोग देख रहे हैं भगवान बद्री विशाल जी की नगरी बद्रीनाथ, और हम लोग कुछ ऊपर की तरफ आए हैं। यहाँ पे जो है चरण पादुका कहीं पे एक जगह है, भगवान जी के चरणों के निशान है जहाँ पे, जो आज भी देखे गए हैं। और हम लोग वहीं पे जाएंगे और दर्शन करेंगे वहाँ पे भी। तो ये रास्ता है, चढ़ाई काफ़ी है और सुबह से हम लोगों ने जो है नाश्ता भी नहीं करा है, अभी दर्शन करा था और सीधा ऊपर आ गए। ये देख सकते हैं आप लोग,
पूरी नगरी यहाँ से दिख रही है और ये लोग आ रहे हैं। आओ भाई जल्दी। और सामने आप लोग देख सकते हैं भगवान बद्री विशाल जी का भव्य मंदिर। ये रहा, ये है मंदिर, यहीं से हम लोग आए हैं। और बाकी ये पूरी नगरी, और जो वाटरफॉल आपको उधर से दिख रहा था ये है, यहाँ पे जो है एक वाटरफॉल है काफ़ी भव्य और अच्छा। और शायद हम लोगों ने वहाँ तक जाना है, अभी देखते हैं जाना कहाँ है, अभी मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। रास्ता तो वैसे वहीं जा रहा है, बाकी वहीं चल के दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी वहाँ तक पहुँचना है हम लोगों ने, ट्रैकिंग शुरू कर दिया है। पहले वहाँ का दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पे। तो हम लोग अभी ट्रैक पे हैं चरण पादुका के, और यहाँ पे जो है स्नोफॉल भी हमें दिख रही है परसों की।